हम करेंगे तारिक रोड को एक्सप्लोर। जैसे कि हम जानते हैं कि तारिक रोड तो मशहूर ही अपनी फैंसी कलेक्शन की वजह से है, तो तारिक रोड की मेन मार्केट में एंटर होते ही लाइमलाइट के बिल्कुल अपोजिट दाऊद फैब्रिक्स के नाम से एक शॉप थी जो कि फुल ऑफ वैरायटीज़ थी, जिसमें फैंसी नेट के फुल ड्रेसेस और फोर पीस सूट 4000 से लेकर 8000 की रेंज में ईजिली अवेलेबल थे, जो कि आई थिंक इस महंगाई के दौर में क्वाइट रीज़नेबल थे। यहाँ कटदाना वर्क, फैंसी नेट, सीक्वेंस वर्क जैसी वैरायटी मौजूद थी जो कि बहुत ट्रेंडिंग में है। इस कटदाना वर्क फोर पीस सूट इज अवेलेबल इन जस्ट 7000 रुपीज़। यस, इन्होंने ब्लैक फैंसी नेट को ओपन करके दिखाया जो कि बेइंतहा खूबसूरत और चमकीली थी, जिसको हम डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल में स्टिच करवा कर पहन सकते हैं। दाऊद फैब्रिक्स के बिल्कुल बराबर में एक छोटा सा स्टॉल था, जिसको देखकर हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका, क्योंकि यहाँ दुपट्टों की ह्यूज कलेक्शन थी, जैसे कि शेफोन और गेंजा और क्रिंकल जैसे खूबसूरत दुपट्टे जो कि सिर्फ और सिर्फ 300 से लेकर 1000 तक की रेंज में अवेलेबल थे। अगर हम बात करेंगे अनस्टिच कलेक्शन की, तो वो भी फ्लोरल और पोलका डॉट जैसे फेमस प्रिंट में अवेलेबल थे इन जस्ट ₹2000। और अनस्टिच के साथ साथ यहाँ स्टिच की बहुत खूबसूरत कलेक्शन थी, और वो भी सॉफ्ट कपड़े पर, जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद आए, क्योंकि 1500 में स्टिच्ड और टू पीस ड्रेस एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के लिए और डेली वेयर के लिए क्या ही बुरा हो सकता है। रज़ा हारून के बिल्कुल सामने एक और स्टॉल नज़र आया जो कलरफुल सैंडल से भरा हुआ था। इनके पास कोल्हापुरी और खुसे जैसी बेहतरीन कलेक्शन मौजूद थी जो सिर्फ 450 में अवेलेबल थे। फिर राबी सेंटर के अंदर हमने ये बहुत हसीन ब्राइडल क्लचेस और पाउचेस देखे जो 1500 से 2500 की रेंज में ईजिली अवेलेबल थे। और मुझे ऐसा लगता है कि तारिक रोड इज़ ऑल अबाउट बार्गेनिंग, सो इफ़ यू हैव अ गुड बार्गेनिंग स्किल्स, सो डेफिनेटली गो देयर। ये जो आपको कलरफुल ड्रेसेस की लाइन नज़र आ रही है, इनको हम कहते हैं मुल्तानी चिकनकारी ड्रेसेस, और ये टोटली हैंडवर्क है, बेइंतहा खूबसूरत, बेइंतहा खूबसूरत है इन जस्ट 4000 रुपीज़। अभी सेंटर के अंदर मौजूद हमने नूर खान शॉप नंबर 24 में लहंगो की दुनिया देखी। इनके पास काफ़ी डिफरेंट डिज़ाइन के लहंगे थे जो अब तक इतने कॉमन नहीं हुए। इनका हर लहंगा डिफरेंट प्राइस में था। हमने ये लहंगा देखा जिसमें मिरर वर्क हुआ हुआ था, जो सिर्फ और सिर्फ 10000 में अवेलेबल था। ब्राइडल कॉर्नर शॉप नंबर 63 में बनारसी कपड़े की साड़ियाँ थीं जो कि बहुत हसीन थीं, जिसकी प्राइस रेंज 6000 से स्टार्ट थी। आफ्टर साड़ी वी सॉ दिस फाइन सिल्क मैचिंग सेंटर इन सेकेंड फ्लोर शॉप नंबर 43, जहाँ पर बेहतरीन क्वालिटी की वेलवेट की शॉल्स मौजूद थी, जिन पर बहुत ही हसीन गोल्डन कढ़ाई हुई हुई थी जो कि उस शॉल को चार चांद लगा रही थी। ये शॉल्स सिर्फ और सिर्फ 3500 से लेकर 5000 की रेंज में अवेलेबल थी। शॉल की शॉप के बिल्कुल बराबर में हमने इस आखिरी चमकती हुई चीज़ को देखकर अपनी वीडियो की एंडिंग करी। ये बहुत ही खूबसूरत और नफीस काम था जो कि भारी नेट पर कढ़ाई हुई हुई थी, और ये काम सिर्फ और सिर्फ 5000 की रेंज में अवेलेबल था।